पर चाहत उसकी खास, मैं कलीसिया हूँ और दुल्हन भी, मेरे नथनों में उसकी सांस। एक रोज मुझे ले जाएगा, एक रोज मुझे ले जाएगा, संग करने अपने वास। नैना बिच पर समय हदा वेख लवा मैं प्यार दिया, केंदी मेरी धड़कन है भला हो वन पूरे कलार दिया, केंदी मेरी धड़कन है गला हो वन पूरे कलार दिया, उन घड़िया खत्म इंतजार दिया, तेरी लगन लगे ये सुच तेरी लगन लगे, अखियन को मेरे अमद की लगन लगे, तेरी लगन लगे ये सुच तेरी लगन लगे, लागे अखियन को मेरे अमद की लगन लगे, दर्शन है देख लवा मैं प्यार दिया। तालियां। जेड़ी दुनिया की लगन है एक महीना दो महीने छे महीने ब्रेकअप फिर किसी और ना लगन, लेकिन जो यीशु की लगन है वो फर्क है, वो कैसी है? ऐसी लगन लागे, ऐसी लगन लागे ते तोड़े ना टूट दी, विछोड़े ना छूट दी, तेरी लगन लगे यीशु तेरी लगन लगे, अखियन को मेरे सुज तेरी लगन लगे, अखियन को मेरे अमद की लगन लगे, प्रेम तेरे मनु जीवत कीता, प्रेम तेरे मनु जीवत कीता, छुट गईया होने जग दिया रीता, डूबदी मेरी अनीता, तेरी लगन लगे ये सुज तेरी लगन लगे, लागे अखियन को मेरे अमद की लगन लगे, तेरी लगन लगे तेरी लगन लगे तेरी लगन लगे तेरी लगन लगे तेरी लगन लगन लगे लगन लगे तेरी लगन लगन लगे लगन लगे 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 तेरी लगन लगे सुख तेरी लगन लगे लागे अखियन को मेरे अमद की लगन लगे सरे सरे पागरे सरे पागरे गर 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 जीवे दादम सरे तेरी लगन लगे ये सुज तेरी लगन लगे, रन तांगा हो मानो तेरे ही दीदार दिया दे, आमद दे इंतजार दिया, रन तांगा हो मानो तेरे ही दीदार
दिया आमद दे इंतजार दिया है उड़ी का असर किया है उड़ी का असर किया तेरी आने वाली बहार दिया डर लगने लगे ये सुझ डर लगने लगे अखियन को मेरे आमद की लगने लगे तेरी लगने लगे ये सुझ डर लगने लगे तेरी लगने लगे ये सुझ डर 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 लगने लगे 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 डर लगने लगे ये सुझ डर लगने लगे अखियन को मेरे कमत की लगने लगे डर लगने लगे ये सुझ डर लगने लगे अखियन को मेरे कमत की लगने लगे तेरी लगने लगे सुझ तेरी लगने लगे अखियन को मेरे अमद की लगने लगे तेरी लगने लगे ये सुझ तेरी लगने लगे अखियन को मेरे अमद की लगने लगे लगे
तू पहले ही से यहाँ पर मौजूद है, इससे पहले कि हम यहाँ पर आते तू यहाँ पर मौजूद था, तू मौजूद है। उसी तरह जैसे खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुंबिश करता था, उन्होंने सब लोग तशरीफ रखें। आपके सिर्फ 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट ज्यादा या थोड़े हैं? जो पहले से आके बैठे हैं उनके लिए मेरे ख्याल काफी है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क़लामे मुकद्दस को खोले, रसूलों के अमाल उसका 18वां बाब और उसकी 24 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और बाप के आखिर तक पढ़ेंगे। आज जो भी पैगाम का हिस्सा आप तक पहुंच रहा है इसको अपने अंदर लेकर जाएं। याद रखें, खुदा का बंदा दाऊद कहता है मुसीबत के दिन यही मेरी तसल्ली है। हमारे लिए तसल्लियां बहुत सी होती हैं, लेकिन वो कहता है मुसीबत के दिन यही मेरी तसल्ली है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। हालेलुया, जिंदा किया है। हालात हमें मुर्दा बनाते हैं, लेकिन कलाम हमें जिंदा करता है। हमें कलाम की जरूरत है। आज इस कलाम के हिस्सा के अंदर बड़ी जबरदस्त बातें हमारे सामने हैं, गो के खुदावंद के कलाम का हर लफ्ज जो है वो कुदरत से भरा है। यीशु ने पतरस को बस इतना कहा, आ अलफ अलविदा, और वो पानी पर चलने लगा, इसलिए कि कलामी खुदा ने ये फरमाया था। जो वो कहता है जब हम वो वही करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में आसमान खोल दे। हालेलुया। यहां पर लिखा फिर अपलूस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश। अब गिनते जाइएगा, लिखा है खुश तकरीर और किताबे मुकद्दस का माहिर इफिसस में पहुंचा। उस शख्स ने खुदावन की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर एक्विला प्रसिकला और एक्विला की बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतर कर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फर्ज के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताबे मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े शोर शोर से यहूदियों को अलानिया कायल करता रहा। आमीन, आमीन। इस शख्स की जो खूबियां हैं वो बड़ी जबरदस्त है। जोश से भरा, खुश तकरीर, किताबे मुकद्दस का माहिर, फिर यीशु की तालीम बड़ी सही सही तालीम पाई है और देता है। खुदावंद की राह की तालीम उसने पाई है। इन तमाम के बावजूद पर सिकला रक्विला को कुछ महसूस हुआ, कुछ नजर आया, उसको अपने घर ले गए और लिखा है खुदावंद
के ताल्लुक से उसको जो तालीम दी गई लिखा है और ज्यादा सेहत से बताइए, और ज्यादा सेहत से बताइए। सेहत का जो यहां पर ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है एग्जैक्टली, केयरफुली, स्ट्रिक्टली, बड़ी सख्ती से, सफाई से, ठीक ठीक उसको और भी ज्यादा सेहत से बताइए। लेकिन लिखा है कि जब वो वहां से निकला, क्योंकि वो किताबे मुकद्दस से यीशु का मसीह होना, कमी ये थी। किताबे मुकद्दस का मायर है, जोश भी बहुत है, खुश तकरीर भी है, तालीम भी है, हम इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन कमी क्या थी उसकी जिंदगी में? उसकी जिंदगी में मसीह का मुकाशवा नहीं था। आज हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, मजमे हैं, अल्फाज जो हैं उनका खजाना है, समुंदर है, तकरीर जबरदस्त करते हैं, लेकिन मसीह का मुकाशवा हमारी जिंदगी में नहीं है। लेकिन मेरे चीजों याद रखें, मसीह का मुकाशवा कलीसिया की बुनियाद है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, लोग क्या कहते हैं, चार बयान आए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यर्मिया, एलिया या नबियों में से कोई, लेकिन उसने कहा तुम मुझे क्या कहते हो। जो पांचवा बयान था वो उन चारों बयानात से बढ़ के था। चार बयान नबियों के बारे थे, लेकिन पांचवा बयान जो था वो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के ताल्लुक से था। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मसीह का मुकाशवा पतरस के पास था। लोग क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो, चुनाव आज हमने हमने करना है, हम लोगों में से हैं या उनमें से हैं जिनको उसने तुम कहा। तुम वो थे जो साथ रहते हैं। लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, पतरस के पास मुकाशवा था। कलीसिया की बुनियाद मुकाशवा पर है। तब उसने कहा इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। इफिसस में रहने वालों के पास पैगाम की कमी थी। अपलूस किताबे मुकद्दस का माहिर है। हम जितने मर्जी किताबे मुकद्दस के माहिर बन जाएं, जब तक मसीह का मुकाशवा हमारी जिंदगी में नहीं है, हम फिर भी बहुत सी कमियों का शिकार हैं। जहां पर मसीह का मुकाशवा होगा वहां पर मजबूत कलीसिया होगी। और आप जानते हैं कलीसिया बनाने के लिए बहुत से असूल बनाए जाते हैं, लेकिन तीन रूहानी असूल बड़े जबरदस्त हैं और उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मजबूत कलीसिया के लिए मजबूत प्रस्तिश, सबके हाथ हैं ऐसे उंगली दिखाएं, मजबूत प्रस्तिश, मेरे पीछे बोले मजबूत प्रस्तिश, मजबूत बशारत और मजबूत तालीम। आपकी वॉइस इतनी कम है। मैं अक्सर वो लोग जो कंजूसी करते हैं ना, जो लोग कम बोलते हैं, इशारा कम देते हैं और रिस्पॉन्स कम देते हैं, मैं ऐसे कलीसियों को कहता हूं ये शेखों की कलीसिया है, कम कंजूसों की कलीसिया है। हम ऐसे नहीं है, हम जिंदा खुदावंद की जिंदा कलीसिया है। पहली बात क्या है, मजबूत परस्तिश, सारे कैंप लंदवा से मजबूत परस्तिश, मजबूत बशारत, मजबूत तालीम। यही वो रूहानी असूल है जो हमने अपने खादिम, अपने बाप बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन से सीखा कि मजबूत कलीसिया की बुनियाद ये तीन बातें हैं, क्योंकि इन तीनों के अंदर मसीह का मुकाशवा पाया जाता है। मेरे चीजो, इब्लीस अगर हमें दूर रखता है तो वह हमें मसीह के मुकाशवा से दूर रखता है। इफिसस में जब वो शख्स आया, उसको मसीह का मुकाशवा मिला अक्विला और प्रिसकिला के वसीला। उसके बाद खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी आया। इफिसस में बड़ी मेहनत की गई, लेकिन जिनके ऊपर रूहानी मेहनत हुई थी उन्होंने रूहानी मेहनत को खो दिया, भूल गए। आज बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं जिसका खुदा का बंदा प्रोफेसी कर रहा था कौन कौन सी कमियां हैं लोगों में, और अगर वो ठीक हो जाएंगे तो खुदा उन्हें बढ़ाएगा। आज बहुत से लोग हैं
उनके ऊपर बड़ी मेहनत की गई, उनके दरमियान बड़े लोग आए, बड़े खादिम आए, लेकिन फिर भी इज्जत को यह पैगाम दे दिया गया, मुझे तुझसे यह शिकायत है तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। याद कर तू कहां से गिरा है और तौबा कर। अगर तू तौबा ना करेगा मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को बजाऊंगा नहीं, उसको हटा दूंगा। आज जितनी कलीसियाएं हैं अपने बड़े बड़े नामों से तालीमात से बाहर निकल के मसीह का मुकाशवा अंदर ले ताकि कहीं उनका चिराग हटा ना दिया जाए। वो सिर्फ बुझेगा नहीं, हटा देगा। इससे पहले कि हमारी रूहानियत का नामो निशान मिट जाए, हम मसीह का मुकाशवा अपनी जिंदगी में लें। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और पेंटिकोस के दिन जो पैगाम हुआ, नबूतें पूरी हुई और उसमें ये बात कह दी गई, इलानिया कह दी गई, पास इसराइल का सारा घराना ये यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदा फंद भी किया और क्या मसीह भी किया। यहूदियों के पास कमी थी तो मसीह के मुकाशवा की कमी थी। आज अगर जरूरत है दुनिया को, दुनिया को बड़े नामों की जरूरत नहीं है, वो ऐसे खादमों की राह देख रहे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि मसीह का मुकाशवा है। जहां पर मसीह की मनादी होगी वहां पर जादूगर किताबें जला देंगे, वहां पर मौजजात होंगे। मौजजात का ताल्लुक मसीह के मुकाशवा के साथ है, ना किसी इंसान के साथ है, ना किसी तालीम के साथ है, उसके साथ है जिसकी कब्र खाली है। यूं तो दुनिया में बहुत से खुदा हैं, लेकिन हम उस खुदा की बात करते हैं जिसके बेटे का नाम यीशु है, जिसके बेटे का नाम यीशु है। हमें और कोई खुदा नहीं चाहिए, ना हाथ के बनाए हुए, ना मुंह के बनाए हुए, ना अल्फाजों के बनाए हुए। हमें उस खुदा की जरूरत है जिसने कहा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी कोई कर नहीं सकता, ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। जो कोई, क्या लफ्ज है मेरे पीछे सब बोले, जो कोई, किसी मजहब का नाम लिखा है, किसी अदारे का नाम, जो कोई उसका नाम लेगा, किसका नाम, उसके बेटे का नाम, उसके बेटे का नाम यीशु है। सब बुलंद आवाज से कहें यीशु, फिर से कहें यीशु, एक दफा फिर यीशु। इसलिए हम ये नाम लेते हैं क्योंकि लिखा है जो कोई उसका नाम लेगा निजात पाएगा। हमेशा की जिंदगी जमीन पर रहने वालों के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह में पाई जाती है। जो मसीह में रहता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। जो मसीह में रहता है वो ये हक पा लेता है कि मैं वहां पर होऊंगा जहां आंसू ना होंगे, मौत वहां ना होगी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ही जलाल होगा। हमें मसीह में आने से हक मिल जाता है नए आसमान और नई जमीन में रहने का। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हुजूर अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाएं। हमने दुआ पहले भी की है और अभी भी मैं ये दुआ करूंगा, कैसे वो लोग जो अपनी जिंदगी की कश्मकश में हैं कि खुदावंद मैं किसको अपना नजात दहिंदा कबूल करूं, मैं किसको अपना शाफी कहूं, मैं किसको अपना दुख सुनाऊं, मैं किसके साथ अपनी मुसीबत का जिक्र करूं। ओ हालेलुया हालेलुया। सभी लोग आज अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, अपनी जिंदगी को गौर से देखें कि आपकी जिंदगी कैसी है। वो किसी भी दीन की बात नहीं कर रहा, किसी खुदा की बात नहीं कर रहा, वो हमेशा की जिंदगी की बात कर रहा है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। आपको मुझे जिंदगी चाहिए, हर वो जिंदगी यीशु मसीह के वसीला हमें मिलती है। ओ हालेलुया। अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, अपनी जिंदगी में झांक कर देखें। आज हमारे पास थोड़े लम्हात हैं, अपने आप को देखें, हमारी जिंदगी की राह क्या है, हमारे अमल जो हैं वो कैसे हैं, क्या है हमारी जिंदगी में।